इंतहाई काबिले एहतराम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। दोस्तों, आज भारत जैसे दुश्मनों की शिकस्त हो चुकी है। खबर यह है कि कराची में 45 ममालिक की नेवीज पहुंच चुकी हैं, जो कि एक हफ्ता तक पाकिस्तान में मौजूद रहेंगी और मिलकर नेवल मशकें करेंगी, जिनमें जदीद से जदीद नेवलिस्ट अपनी महारत दिखाएंगे। इन 45 ममालिक में वो ममालिक भी मौजूद हैं जो एक दूसरे के वजूद को बर्दाश्त नहीं करते थे, जिनमें चीन, अमरीका, ईरान, रशिया शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इन तमाम ममालिक को एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया और अमन का पैगाम देते हुए रशिया जैसे मुल्क को राजी किया। नाजरीन मोहतरम, इन ममालिक में भारत नहीं है, जिसका मतलब ये है कि भारत अमन के नाम से खौफ खाता है। भारत अमन नहीं बल्कि फसाद चाहता है। अगर भारत इन मशकों में हिस्सा लेना चाहता तो पाकिस्तान कुशादा दिल्ली से इसकी मेजबानी करता, लेकिन संग दिल तंग दिल भारत ने अमन के इस पैगाम को ठुकरा दिया। बहरहाल दोस्तों, ये मशकें 11 फरवरी से 16 फरवरी तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेंगी। नाजरीन मोहतरम, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में पाक हुए जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज के नाम नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। नाजरीन मोहतरम, इसके साथ इजाजत चाहूंगा। अपना और अपने अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।